हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू गुड एंड फाइन. डियर स्टूडेंट्स, अवर फर्स्ट लेसन इज कम्प्लीटेड. नाउ आई विल स्टार्ट सेकंड लेसन. सेकंड लेसन नेम इज फन विथ नंबर्स. बच्चों, यहाँ पे हमें ये पिक्चर देख के ब्लैंक्स लिखनी है, ब्लैंक्स के आंसर लिखने हैं. तो यहाँ पे पहले तो हमें ये देखना है कि सबके पास कितने सीड हैं. राधिका हैव 24 सीड्स, गौरी हैव 47 सीड्स, सुनील हैव 38 सीड्स, इंदिरा हैव 54 सीड्स एंड विक्की हैव 42 सीड्स. तो बच्चों, यहाँ पे ब्लैंक दी है. राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील वेर कलेक्टिंग इमली सीड्स. इमली मीन्स टमरिंड. फर्स्ट ब्लैंक डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड. तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा सीड्स किसके पास हैं. तो अभी हमने पहले ये पिक्चर देखा. फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा सीड है वो इंदिरा के पास है. तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा इंदिरा. ओके, देन सेकंड ब्लैंक सुनील विल कलेक्टेड डैश मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की. तो विक्की को, सुनील को विक्की जितने सीड करने के लिए और कितने सीड कलेक्ट करने पड़ेंगे. तो पहले तो हमें ये देखना है कि सुनील के पास कितने सीड है. सुनील के पास 38 सीड है और विक्की के पास कितने हैं? 42 सीड्स. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 42 माइनस 38 करना पड़ेगा. अभी देखो, 2 माइनस 8 नहीं होगा. 2 को कट करके 12 लिखेंगे एंड 4 को कट करके हम 3 लिखेंगे. 12 माइनस 8 4 और 3 माइनस 3 0. तो यहाँ पे सुनील विल कलेक्ट 4 मोर सीड्स टू बी इक्वल टू विक्की. ओके, इफ राधिका गेट्स 6 मोर सीड्स सी विल हैव. राधिका अगर 6 और सीड्स कलेक्ट करती है तो उसके पास कितने सीड होंगे? तो राधिका के पास अभी कितने हैं? 24. तो 24 प्लस 6 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 30. ओके, तो ये ब्लैंक में आंसर आपको लिखना है 30. ओके, नेक्स्ट ब्लैंक, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स. तो 40 सीड्स से भी ज़्यादा सीड किसके पास है? तो 40 से भी ज़्यादा सीड्स गौरी, विक्की एंड इंदिरा. बाकी सबके पास देखो, यहाँ पे इसके 38 है, इसके 24 है, तो वो 40 से कम है. तो ये ब्लैंक में आंसर आएगा 3. ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव मोर देन 40 सीड्स. तो आंसर आएगा 3. नेक्स्ट ब्लैंक डैश नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50. तो यहाँ पे अभी किसको 3 सीड्स चाहिए 50 करने के लिए? तो हम देखेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 3 करना पड़ेगा तो हमें समझ में आएगा. ओके, 50 माइनस 3. ओके, अभी देखो, 0 माइनस 3 नहीं होगा. 0 को कट करके यहाँ पे हम लिखेंगे 10 एंड 5 को कट करके हम लिखेंगे 4. 10 माइनस 3 7 एंड 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए 4 नीचे सीधा आएगा. तो आंसर आया हमारा 47. तो 47 किसके है? गौरी के. तो यहाँ पे आपको गौरी लिखना है. गौरी नीड्स 3 मोर सीड्स टू हैव 50.
Okay, understand everyone what I say? Last blank. Sunil has two seats less than 40 and Tess has two seats more than 40. तो यहाँ पे हमें दिया है कि सुनील हैज टू सीट्स लेस देन 40. सुनील कहाँ गया? सुनील ये रहा. सुनील के पास कितने हैं? 38. मीन्स के वो 40 से दो सीट्स कम है. और कौन है जिसके पास 40 से दो सीट ज़्यादा है? 40 से दो सीट ज़्यादा मीन्स के 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42. तो 42 किसके पास है? विक्की के पास. तो यहाँ पे आपको लिखना है विक्की. ओके, चलो आपको ये समझ में आया ना ब्लैंक? तो ये ब्लैंक आपको आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिखना है. ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. डॉट गेम. गेस द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सर्कल. नाउ काउंट एंड चेक योर गेस. प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स बाय मेकिंग सर्कल्स. सी हु कैन गेस बेस्ट. तो यहाँ पे देखो, डियर है. डियर ने भी क्वेश्चन किया है. यहाँ पे डियर ने क्या लिखा है? कैन यू गेस द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन मी. क्या आप मेरे बॉडी के ऊपर जो डॉट है वो काउंट कर सकते हो? यस, आई कैन डू इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने हैं? 7 डॉट है. और यहाँ पे ये जो है ये भी पूछ रही है. एंड ऑन मी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके ऊपर 6 डॉट है. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. ये सिर्फ एक गेम है. आपको ऐसे ऐसे सर्कल बनाने हैं. ओके, और फिर आपको अपने फ्रेंड को, आपकी सिस्टर, ब्रदर, उनको पूछना है कि चलो अभी ये सर्कल में जितने डॉट है वो कौन पहले गेस करता है. वो गेम है. ठीक है, तो आप अपने सिस्टर या ब्रदर के साथ ये गेम खेलना. ओके, और देखना कौन सबसे ज़्यादा गेस करता है. धोनी सेंचुरी. वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी. इंडिया बैटिंग फर्स्ट. तो यहाँ पे धोनी ऑन 96, ओनली वन बॉल लेफ्ट. विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी. धोनी ने 96 रन किए हैं, उसको सेंचुरी कंप्लीट करनी है. तो क्या वो कंप्लीट कर पाएगा? लुक एट दिस, द व्हाट अ मार्वेलस सिक्स. और देखो धोनी ने सिक्स दिया, सिक्सर दिया, छक्का दिया. तो बच्चों यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सेंचुरी मीन्स क्या. सेंचुरी मीन्स होता है 100 रन्स. वन सेंचुरी इज इक्वल टू 100. ओके, वन सेंचुरी इज इक्वल टू 100. यहाँ पे हमें ये ब्लैंक देखनी है. फिल इन द ब्लैंक्स. धोनी स्कोर 96. धोनी ने 96 रन किए हैं. यहाँ पे 96 प्लस डैश इज इक्वल टू डैश रन. तो धोनी ने छग्गा मारा था, तो छग्गा मीन्स के 6. तो यहाँ पे 96 प्लस 6 इज इक्वल टू 102. ओके, हाउ मेनी रन्स डू दिस प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट अ सेंचुरी. तो अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि इन लोगों को अभी कितने रन की ज़रूरत पड़ेगी 100 कंप्लीट करने में, मीन्स के सेंचुरी कंप्लीट करने में. अभी मैंने बोला ना आपको, वन सेंचुरी इज इक्वल टू 100. तो यहाँ पे हमें ब्लैंक में आंसर लिखने हैं. प्लेयर वन 93 रन, प्लेयर टू 97, प्लेयर थ्री 89, प्लेयर फोर 99. और यहाँ पे ये जो ब्लैंक है वो ब्लैंक में आपको आंसर लिखने हैं. रन्स नीडेड टू कंप्लीट अ सेंचुरी. सेंचुरी, ओके, आपको ये याद रखना है. वन सेंचुरी इज इक्वल टू 100. तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पता है? यहाँ पे आपको 100 में से ये जो रन दिए है वो माइनस करने पड़ेंगे. मीन्स के यहाँ पे देखो आपको 100 माइनस 93 इज इक्वल टू, उसका आंसर आएगा 7. तो फर्स्ट ब्लैंक में आंसर आएगा 7. ओके,
नेक्स्ट है 97, तो आपको 100 माइनस 97 इज इक्वल टू 3, तो सेकंड ब्लैंक पे आंसर आएगा 3, ओके। थर्ड प्लेयर 89, तो 100 माइनस 89 इज इक्वल टू 11, तो प्लेयर 3 में आएगा 11। प्लेयर 4 99, तो 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1, तो लास्ट ब्लैंक में आंसर आएगा 1, ओके बच्चों। तो आपको ये जो ब्लैंक है वो कंप्लीट करनी है। मैं फिर से आंसर रिपीट करती हूँ। फर्स्ट में आएगा 7, सेकंड में आएगा 3, थर्ड प्लेयर में आएगा 11 एंड लास्ट में फोर्थ प्लेयर में आएगा 1। तो इन सबको इतने रन चाहिए सेंचुरी कंप्लीट करने में, ओके। तो ये पेज भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है, नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक दोनों में। चलो यहाँ पे आफ्टर 99 वी गो ऑन लाइक दिस। देखो यहाँ पे अभी फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो सबको आता ही है, सेकंड में सबने किया है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर इन फिगर्स, नंबर इन वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे नंबर इन फिगर्स 99 to 112, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है 99, तो 99 फिगर में है और वर्ड्स में 99, n i n e t y एंड n i n e 9, तो 99 ऐसे। देन 100, और 100 का स्पेलिंग वर्ड में O N E 1 H U N D R E T 100। तो आपको ये सिर्फ ये जो ब्लैंक है वही लिखनी है, पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ओनली ये ब्लैंक लिखनी है, लेकिन नोटबुक में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी ये यहाँ पे ब्लैंक है, तो आपको ब्लैंक का आंसर लिखना पड़ेगा 102। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 का स्पेलिंग है, 100 का भी स्पेलिंग है, और यहाँ पे 2 लिखना है। 2 का स्पेलिंग सबको आता ही होगा, ओके। 2 का स्पेलिंग आपको लिखना है टी डब्ल्यू ओ, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 102। अभी देखो 103, तो फिगर में भी है वर्ड में भी है। 104 फिगर एंड वर्ड। अभी यहाँ पे 105 लिखा है, वर्ड में लिखा है, तो आपको उसको फिगर में लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 105, ओके। देन 106, 107, 107 फिगर में है, उसको वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिखना पड़ेगा 107। 7 का स्पेलिंग भी सबको आता होगा, एस ई वी ई एन, ओके। देन 110, 109, 110, 111। यहाँ पे देखो वर्ड में दिया है, आपको उसको फिगर में लिखना है, तो आंसर आएगा उसका 112, ओके। देन सेकंड बॉक्स में 195 टू 206, तो यहाँ पे भी ये फिगर है और वर्ड है 195, तो यहाँ पे फिगर भी है और वर्ड में भी है 195। 196, 197, 198, अभी यहाँ पे 199 वर्ड में लिखा है, आपको उसको फिगर में लिखना है, तो 199। देन 200, 201, अभी देखो यहाँ पे दोनों ब्लैंक हैं,
201 के बाद क्या आता है 202, तो यहाँ पे आपको लिखना है 202 और उसको वर्ड में भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 का स्पेलिंग है तो 202, ओके 202 आपको ऐसे लिखना है। देन 203, उसके बाद एक वर्ड में लिखा है 204, तो आपको यहाँ पे लिखना है 204, ओके 204, 205 वो है, यहाँ पे ये ब्लैंक है 206, तो आपको वर्ड में लिखना है 206, कैसे लिखना है 206, ओके। चलो यहाँ पे ये चीटी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ओ 206, यस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300, ओके। हम मैंने आपको अभी बोला कि 100 इज इक्वल टू, सॉरी 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 300, तो यहाँ पे हमें ट्रिपल सेंचुरी, तो 3 सेंचुरी इज इक्वल टू 100, ट्रिपल सेंचुरी मीन्स 300, टू मेक 300 रन्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ओ 206, गेस हाउ मेनी मोर टू मेक अ ट्रिपल सेंचुरी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 300 माइनस 206 करना पड़ेगा। ओके, अभी यहाँ पे 0 माइनस 6 नहीं होगा, 0 को कट करके 10, देन 0 माइनस 0 को कट करके यहाँ पे 9, एंड 3 को कट करके 2, ओके। तो देखो अभी 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 0 9, एंड 2 माइनस 2 0, तो आंसर आएगा 94, ओके। तो 94 मोर रन्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे 300 कंप्लीट करने के लिए उसको 94 रन्स की ज़रूरत है। ओके बच्चों, हमने आज जो आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया है, 4 पेज हमने आज किए, तो वो 4 पेज आपको आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिखना है, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन व्हाट आई से, ओके बच्चों, बाय बाय, स्टे होम, सेफ होम।